चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिन जरा हटके के नए एपिसोड में आपके पास लाए हैं कुछ खुश की बात है, आत्म मंथन की बात, आत्मचिंतन की बात, प्रसन्नता की बात। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यार्थी के चरणों में पहले बारंबार नमन। शरद पूर्णिमा, 75वां जन्म दिवस, दीर्घायु हो, शतायु हो, हम सबके जीवन में मार्गदर्शक बने करते रहे। महामनीषी, महाकाव्य जनक, महाविख्यात, वर्तमान के परमेश्वर, वर्तमान के वर्धमान, महानायक कहते हैं चर्या में सर्वोत्तम श्रेष्ठतम, हर को मार्ग चलाने वाले, मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ाने वाले, सबसे बड़े संघ के कहते हैं नेतृत्व देने वाले, ऐसे संत के वर्ण चरणों में बारंबार नमन। हमारा आपका सबका रहे और कहते हैं हमारी उम्र भी आपको लग जाए। आज उनके बारे में बात करेंगे, 75वें जन्मदिवस पर 75 बात। आज के एपिसोड में पहली 25 बात पार्ट वन के अंदर, फिर 25 सुनाएंगे आपको, फिर मिलेंगे आपसे। पर ध्यान रखिएगा, दिल में संजोग रखिएगा। कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पात, बचपन में ही जब पूत के पाओ पालने में दिख जाए तब कहते हैं ऐसी ऐसी निकलती है बात कि हम करते हैं आत्मसात इनके साथ। दादा गुरु श्री ज्ञान सागर जी ने एक विद्याधर को तराशा और फिर जोहरी गुरु विद्यासागर जी ने तब त्याग की धरा पर 130 को मुनि, 172 को आरिका सहित 400 से अधिक को अलौकिक मार्ग पर आगे बढ़ाया। यानी वर्तमान में सबसे बड़ा अनुशासनात्मक संघ है और पूरा का पूरा बाल ब्रह्मचारी संघ। हां तो आप जान गए, दीक्षा पूर्व नाम था विद्याधर, पर इनके और भी नाम थे, कहते हैं पीलू, गिनी, मरी और तोता भी। जन्म के कुछ बाद पीलू बुलाते थे, सुरीली आवाज से गिनी पुकारे जाते थे, रटने में बहुत तेज थे तोता कहलाते थे, कुछ इन्हें मरी भी बुलाते थे इनके मित्र। यानी भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम और इनके लघुनंदन के भी 5 ही नाम। जाखो राखे साइया, चोट लगे ना खोए। बस 1.5 साल के पीलू को थामे माता पिता गोमठ स्वामी के दर्शन करने चढ़े, जरा सांस ही ले रहे थे कि एकाएक पीलू सीढ़ियों से फिसल गया। 1, 2, 3, 10 सीढ़ियों से नीचे 1.5 साल का बालक। घबरा गए दोनों माँ बाप, फटाफट नीचे उतरे और जब देखे तो बालक मुस्कुरा रहा था, तनिक भी खरोंच नहीं। ज्यादा नहीं पढ़े आचार्य श्री 9वीं कक्षा तक कन्नड़ से, और कमाल की बात तो यह है कि आज उनके शिष्य बनने के लिए इंजीनियर, CA, प्रोफेसर, पता नहीं BTech डिग्री वाले कितने ही दीक्षित हैं। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित सभी उनके कायल हैं। स्पष्ट है लौकिक शिक्षा से अनंत गुना ऊंची होती है अलौकिक दीक्षा। दादाजी के निर्देश पर पिताजी ने इनके घर में ही चंद्र प्रभु जी का चैत्यालय बनवा दिया और आप तो उनसे कई कदम आगे निकल गए। आपने तो लाखों लोगों के लिए बुंदेलखंडा, सिरमौर, कुंडलपुर, नर्मदा के नाभिकुंड में रेमावट, नेमावर, उद्गम स्थल पर अमरकंटक, रामटेक में पंचबाल्यती 24, चंद्रगिरी डोड़गढ़ में त्रिकाल 24, जबलपुर की पिसनहारी मड़िया, परवारपुर, नागरपुर में रामपुरा, गोपालगंज, भाग्योदय, बीना मारा, कोनीजी, बोरीबुंद, पनागर, थुवोंजी, ईश्वरा, पुजारी, शीतलधाम, विदिशा, हबीबगंज, भोपाल और रेहली, पटनागंज में भी जिनालो की कितार लगा दी लाखों के दर्शनों के हेतु। हाँ, बचपन में आपको आजकल के बच्चों की हित नहीं, बड़ों की तरह चॉकलेट खाने का बहुत शौक था और खुद ही नहीं दूसरों को भी खिलाने का। एक बार तो खुले पैसे की बजाय नोट की जिद की पिताजी से और पिताजी से 5 रुपये का नोट लेकर दुकान वाले के पास पहुँच गए, दे दो इसकी चॉकलेट। दुकान वाला भी हैरान हो गया, बोला बेटा इतनी चॉकलेट तो तुम्हारी जेब हाथों में नहीं संभाल पाएंगी, इससे तो मेरी दुकान ही खाली हो जाएगी। चॉकलेट का शौक था ना गजब का उनको। हाँ, तब आज की तरह मोबाइल TV नहीं था और विद्याधर को भी कुछ विशेष शौक थे, जैसे घंटों नदी में तैरते रहना, बड़ों से शतरंज खेलना, उनको हरा देना, गिल्ली डंडा खेलना और साइकिल चलाना, और चित्रकारी में भी बहुत मन लग जाता था। हाँ, तो ड्राइंग की बात कर रहे थे तो उन्हें ड्राइंग में रंग चाहिए थे, इसके लिए पिताजी से कहा तो पिताजी का सोचा अरे फालतू में मांग रहा है क्या, चल पहले कुछ पेंसिल से बना कर दिया लाओ। फिर इन्होंने क्या था, छत्रपति शिवाजी का चित्र बनाया तो पिताजी ने देखकर दांतों तले अंगुली दबा ली। और हाँ, आपको महापुरुषों चित्र बनाना बहुत ही पसंद था, अब हमें जरा सोचिए हम क्या बनाते हैं, क्या सोचते हैं। बचपन से ही आपको मयूर पंखों का बहुत शौक था,
विद्यागान बढ़ाने के लिए किताब में मोर पंख रख लेते थे और युवा होते ही मयूर पंखों की पिछी पकड़े ली, जो पिछले 52 सालों से लगातार उपयोग कर रहे हैं। हमारी तरह बचपन में विद्याधर जी को भी शौक था थोड़ा सा फिल्मों को देखने का। हम कौन सी देखते हैं और जान लेते हैं उन्होंने कौन सी देखी। उन्होंने देखी मूक चलचित्र संत ज्ञानेश्वर की कथा, दो आंखें भारा हाथ, गीत गाया पत्थरों ने। बचपन के बीच थोड़ी दीक्षा की बात कर लें, उसके बाद की परिचय सहने की क्षमता हो तो कोई आपसे सीख ले, चाहे वो 25 साल के युवा रहे हो या 75 वर्ष के अनुभवी। गर्मी में पंखा कूलर नहीं और ठंड में हीटर अंगीठी नहीं। अहिंसा का सूक्ष्मतम पालन करते हैं, सूर्यास्त के बाद अंधेरा हो तो बिजली या उससे चलने वाला किसी उपकरण का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ तक कि रात्रि में लेटते हैं तो कभी करवट नहीं पलटते हैं। अब सोचिए आप क्यों, इसलिए कि करवट ली तो किसी सूक्ष्म जीव की हिंसा हो सकती है। और हाँ, लेटते कितनी देर हैं, दिन में तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, और रात्रि में मात्र 3 घंटे ही। जी हाँ, बस 3 घंटे। हाँ, सूक्ष्म हिंसा की बात कर रहे थे, कभी गले नहीं मिलते। कारण हर प्राणी में अलग अलग तापमान पर जीव रहते हैं और श्रमणों के गले मिलने से उन जीवों की हिंसा हो सकती है। हाँ, कभी बैठने के लिए चादर दरी तो होती ही नहीं, चटाई भी कभी नहीं, सीधे तकत पर पूरा शोधन करके उठना बैठना। यही नहीं, आलस की दूर से ही छुट्टी और सूक्ष्म अहिंसा का पालन। कभी बैठने के लिए कोई सहारा नहीं लेते, पाटे पर तखत पर बैठते हैं। कभी काष्ठ के सिंहासन पर ही बैठे तो उसका भी सहारा नहीं, दीवार का भी सहारा नहीं लेते। सरकारी नल का पानी नहीं, सदा कुएं के जल का उपयोग करते हैं, जिसकी सही जीवाणी हो सके, यानी सूक्ष्म जीवों की भी हर संभव सुरक्षा का ख्याल रहता है। केशलोक तो सभी संत करते हैं, पर आप उसमें भी उत्कृष्ट केशलोच, यानी हर 2 माह में, चाहे परिस्थिति स्वास्थ्य प्रतिकूल हो तब भी, और उस दिन उपवास भी। शुद्धि के लिए यानी हाथ साफ करने के लिए साबुन तो दिगंबर संत हैं इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर आप तो मिट्टी तक का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों, बताने की बार बार जरूरत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा खाने पीने की बात भी कर लें, शुरू में बचपन से करते हैं, तब खूब स्वादिष्ट चटपटा खाना चाहिए, तीखा मीठा, जरा कुछ कम हो जाए तो तुरंत रोक देते। माता सोचती अभी इतना शौक है तो आगे क्या करेगा विद्याधर। और फिर बालपन से युवापन आए, दीक्षा की सीढ़ी चढ़ी और रसना इंद्रिय यानी जीभ पर पूरी लगाम, जिस पर आज है पूरी दुनिया हैरान। न मीठा, न नमक, न हरी सब्जी, न ड्राई फ्रूट, यानी व्यंजन नाम की पूरी छुट्टी, कच्चे फल भी नहीं। और इस बारे में पूरा एपिसोड देखिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके। हाँ, तो बताया था ना, बचपन में गिल्ली डंडे का शौक था। एक बार गिल्ली डंडे से लगकर दूर एक गुफा के मुहाने पर चली गई। अंदर मुनि महाबल महाराज बैठे थे, वे देखते बोले केवल खेलना ही आता है या कुछ धर्म की बात भी। बस क्या था, सुना दी पूरी भक्तामर की संस्कृत की गाथाएं, आशीर्वाद मिला और आगे चलकर आज भी कर्मों की गिल्ली आज चारित्र के डंडे से पीटते आ रहे हैं। हाँ, तो यूं नहीं हुआ था इन्हें धर्म ज्ञान, पिताजी याद कराते थे और अगर कुछ दिन बाद भूल जाए तो मार भी पड़ती थी, 100-100 दंड बेटक करनी पड़ती थी, उसका दंड मिलता था, यानी पूत के पांव पालने में ही मजबूत कर दिए। हाँ, तो तब विद्याधर 8 वर्ष के थे, बड़े भाई को हराकर माँ से 8 जीत ली थी, यानी कंठस्थ कर सुनाना था भक्तामर जिन सहस्त्र नाम व तत्वार सूत्र। बस पहले सुनाया, बड़े भाई को हराया, 8 को पाया, और आज तो 8 क्या 60 में भी हम याद नहीं कर पाते। और इस बारे में पूरा एपिसोड देखिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके। भाई ये एपिसोड तो शेयर करना बनता ही है, फॉरवर्ड करना बनता ही है, लाइक आप करें ना करें आपकी इच्छा है, पर शेयर जरूर करिएगा। कहते हैं गुरुवर का हर पल हर क्षण जीवन में उतर जाए तो कहते हैं जीवन धन्य हो जाए। एक बार जो अपने उनके चरणों पर अपना मस्तक रख देता है, कहते हैं अपने अंतर यात्रा शुरू कर देता है। 400 से ज्यादा ने शुरू कर दी है, ऐसे हमारी श्रेष्ठतम जोड़ी है, स्वयं चलते हैं उस राह पर और दूसरों को सिखाते हैं राह पर। ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन, शत शत नमन, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर एक बार इनके कड़ी में दिखाएंगे 25 और खास बात। कहते हैं
ऐसे गुरुवर का जीवन में रहे साथ, हजारी उम्र उनको लग जाए, बस यही हमारी कामना प्रभु से पूरी हो जाए। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र।